कर। बहुत धन्यवाद माननीय आपका और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आइए इसके बारे में कुछ और जानने के लिए एक छोटी सी फिल्म देखते हैं। दिल्ली के हृदय में बसा प्रगति मैदान दशकों से रहा है राष्ट्र की प्रगति के प्रदर्शन का प्रतीक। विकास की नित नई बुलंदियों को छूते देश की आवश्यकता के अनुरूप प्रगति मैदान के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और भविष्य उन्मुखी बनाने की लगातार महसूस की जा रही थी जरूरत। देश की राजधानी बने देशवासियों की आकांक्षाओं, देश के संकल्प और देश के सामर्थ्य का भव्य प्रतीक। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में दिल्ली में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में पिछले कुछ वर्षों में समग्र और सतत प्रयास किए गए हैं। उसी कड़ी में शामिल है प्रगति मैदान को आधुनिक और पुनर्विकसित करने का प्रधानमंत्री जी का निर्णय। इस परियोजना के तहत 42 लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल में हो रहा है निर्माण। यहां आज बनकर तैयार हो चुके हैं 4 एग्जीबिशन हॉल। 72,000 वर्ग मीटर में फैले ये हॉल नवीनतम सुविधाओं से युक्त हैं। इन हॉलों का उपयोग कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों के लिए किया जा सकेगा। पूरी तरह एयर कंडीशन हॉल्स विजिटर्स को सुखद अनुभव देंगे। अपने नए स्वरूप में प्रगति मैदान उद्यम और नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज 4 एग्जीबिशन हॉल का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। प्रगति मैदान के पुनर्विकास का एक अहम भाग है अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय सह सम्मेलन केंद्र यानी ICC। इसका मुख्य आकर्षण है कन्वेंशन सेंटर, जो है स्थानीय आर्किटेक्चर और आधुनिकता का अनूठा संगम। इसमें एक साथ 7,000 लोगों के बैठने की सुविधा होगी। कन्वेंशन सेंटर के सामने विस्तृत फ्रंट प्लाजा इसके आकर्षण को और बढ़ाएगा। पुनर्विकसित प्रगति मैदान में लगभग 4,800 वाहनों की भूमिगत पार्किंग बनाई गई है। प्रगति मैदान को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़कें भैरव मार्ग और मथुरा रोड पर ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए पुनर्विकास परियोजना के अभिन्न अंग के रूप में 1 टनल और 6 अंडरपास बन रहे हैं। इनके तैयार हो जाने के बाद नागरिकों को आवाजाही में आसानी होगी और ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा। पुनर्विकसित प्रगति मैदान प्रधानमंत्री जी के न्यू इंडिया के संकल्प को देगा नई मजबूती और बनेगा आत्मनिर्भर भारत का सशक्त प्रतीक। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जैसे हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आत्मसात किया, वैसे ही सारे मंत्रालयों, विभागों, राज्यों इत्यादि को एक होकर श्रेष्ठ आउटकम को अंजाम देना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को चरितार्थ करना है। सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्यों के साथ से, उनके समन्वित प्रयास से, एक अडिग विश्वास से अब विकास के नए नए त्योहार सेलिब्रेट करेंगे। हम अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे कि कृपया पीएम गतिशक्ति को लॉन्च करें रिमोट का बटन दबाकर। बचपन से हर गली, हर सड़क, हर चौराहे, हर गांव या हर शहर में ये सूचना पट्टी देखते और पढ़ते आए हैं।
हमने ये भी देखा है कि एक सड़क बनने के बाद संबंधित विभाग को याद आता है कि यहाँ तो ऑप्टिकल फाइबर लगाना बाकी था, या कुछ दिनों बाद गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए फिर से खुदाई शुरू हो जाती है। कहीं सड़क और रेल तो पहुंच जाती है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए आवश्यक लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाती। इन सभी के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अलग अलग विभाग अलग अलग काम करते रहते हैं, और इन सब का परिणाम प्रोजेक्ट के पूरा होने में देरी, लागत में वृद्धि और आम जनता को परेशानी। ऐसा भी देखा गया है कि एक प्रोजेक्ट तो पूरा हो गया, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कोऑर्डिनेशन के अभाव से जन सामान्य को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक फर्टिलाइजर प्लांट तो स्थापित हुआ, लेकिन उस तक गैस पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं की गई। गैस पाइपलाइन की अनुपलब्धता के कारण वो प्लांट पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाया जा सका, जिससे करोड़ों की लागत से बने उस प्लांट का पूरा लाभ जन सामान्य तक नहीं पहुंच सका। इसी प्रकार सड़क निर्माण का काम कई एजेंसियां करती हैं, जैसे प्रमुख राजमार्गों का निर्माण NHAI करती है। इसके बाद आगे की सड़क का निर्माण राज्य PWD करती है। दूर दराज के गाँव की सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनती है, और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO बनाती है। किसी भी एक विभाग के मध्य कोऑर्डिनेशन के अभाव से लोगों तक सड़कों का पूरा लाभ नहीं पहुंच पाता। सरकार ने देखा कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के अभाव से प्रोजेक्ट कंप्लीशन में बहुत विलंब होता आया है। सरकार के अलग अलग विभागों ने अपने सिस्टम को किया फास्ट ट्रैक। पिछले 7 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स बने हैं जिसमें सारे विभागों ने समन्वय के साथ काम किया, जिससे बड़े अच्छे परिणाम आए। जैसे कि रेल मंत्रालय ने कॉमन ड्राइंग अप्रूवल सिस्टम का गठन किया और उसे भी कर दिया ऑनलाइन, जिससे सारे अप्रूवल्स एक ही पोर्टल पर मिल जाए। भारतीय रेल की इस गति से 6 महीने में मिलने वाले अप्रूवल्स अब 2 से 3 महीने में ही मिलने लगे हैं। इसी प्रकार पर्यावरणीय मंजूरियों के लिए भी 3 अलग अलग ऑनलाइन सुविधा आरंभ कर दी गई हैं, जिसके अप्रूवल्स में पहले करीब 2 साल का वक्त लगता था, अब ये अवधि घटकर महज कुछ महीनों की हो गई है। रोड परिवहन ने नए नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे के एक्विजिशन के साथ यूटिलिटी कॉरिडोर का एक्विजिशन करना शुरू कर दिया है, जिससे सड़क के साथ साथ ऑप्टिक फाइबर केबल, टेलीफोन, पावर केबल्स को भी साथ में बिछाया जा सके और उसके लिए अलग से राइट ऑफ वे एक्विजिशन करने की जरूरत ना पड़े। इन सारे प्रयासों से यूटिलिटी लगने में बहुत तेजी आ रही है और इनका लाभ जन सामान्य तक जल्द से जल्द पहुंच रहा है। इसी प्रकार दूर संचार विभाग ने राज्य सरकारों की मदद से राइट ऑफ वे के एक्विजिशन की प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिससे टेलीफोन और OFC केबल डालने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है और अब टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही है। अब समय है इन प्रयासों को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब समय है इन प्रयासों को गति देने का, शक्ति देने का। इस बार लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा, भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है। आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं। लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली विकास में गति की नई इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक अप्रोच की शक्ति, यानी कि प्रधानमंत्री गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। इसके अंतर्गत इसरो द्वारा विकसित BISAG-N इंटीग्रेटेड पोर्टल पर 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाले 200 से ज्यादा लेयर्स काम कर रहे हैं, जिससे सभी विभागों को एक दूसरे के काम की मिलेगी विजिबिलिटी। PM गति शक्ति योजना द्वारा रेल, रोड, पोर्ट और सिविल एविएशन सभी आ जाएंगे एक बड़े अम्ब्रेला प्लान के तहत। अब पोर्टल के माध्यम से किसी भी विकास एवं निर्माण कार्य में सभी स्टेक होल्डर्स के बीच समन्वय होगा, जिसके तहत एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि सभी ग्रुप में एक साथ बैठकर बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे
इससे लैंड एक्विजिशन के साथ साथ काम भी एक साथ होगा, तो परियोजनाओं की लागत में भी कमी आएगी। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार के विभागों तक, लोकल अर्बन बॉडी से लेकर निजी कंपनियों तक, सभी में होगा ऐसा तालमेल जो आज तक कभी नहीं देखा गया। नेशनल मास्टर प्लान से न केवल विभाग बल्कि उनकी योजनाएं भी एक छत के नीचे आएंगी, जिससे उनके अमल की गति बढ़ेगी। इसके कार्य करने की प्रक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। अब जब किसी भी बंदरगाह की योजना बनती है तो वो आने वाले अगले 40 से 50 वर्षों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो इतनी विशाल स्तर की परियोजना अब सिर्फ शिपिंग मंत्रालय तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि सड़क और रेल नेटवर्क को भी उचित क्षमता के अनुरूप बनाया जाएगा। नेशनल मास्टर प्लान से ये भी पता लगाया जा सकता है कि कहां पर सड़क बनी है और कहां पर नई सड़क के निर्माण की आवश्यकता है। नेशनल मास्टर प्लान में हर मंत्रालय का डेटा निरंतर अपडेट होता रहेगा। यही नहीं, नेशनल मास्टर प्लान द्वारा किसी भी सामान को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए सही मार्ग और किराए का चयन किया जा सकता है। एम्प्टी फ्लो डायरेक्शंस में ग्राहकों द्वारा माल धुलाई में विशेष छूट ली जा सकेगी। मास्टर प्लान से संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होगा, तभी तो पश्चिम भारत के प्लांट से आई खाद उत्तरी क्षेत्रों के खेतों को लहलाएगी और किसानों में खुशहाली लाएगी। साथ ही नेशनल मास्टर प्लान निवेशकों को बताएगा कि जहां पर वे अपना निवेश करने वाले हैं, वहां सड़क और रेल की उपलब्धता कैसी है, इंडस्ट्रियल एरियाज और आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। इससे बिजनेस और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब देश में गति की परिभाषा केवल यातायात ही नहीं, यहां शामिल है गति निर्णय की, गति सरकारी कार्यों की। इस प्लान को गति मिलते ही भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आकार लेगा जिससे रेल से रोड पूरक हो, रोड से सी पोर्ट पूरक हो, सी पोर्ट से पोर्ट पूरक हो, ताकि रोड, रेल, बिजली, ऑप्टिक फाइबर केबल, गैस पाइपलाइन जैसी सुविधाओं से देश का कोई कोना वंचित ना रहे। तभी तो प्रगति में आएगी तेज गति। इंटीग्रेटेड मोबिलिटी द्वारा लोकल उत्पादों की बड़े बाजारों तक पहुंच बनेगी आसान, हमारे उद्योग भी होंगे कंपटीशन के लिए बेहतर तैयार और निर्यात होगा सुगम और देश की अर्थव्यवस्था के चक्के तेजी से घूमेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस बनेगा वर्क इन पेस। प्रधानमंत्री गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, और सभी देशवासियों को हृदय से बधाई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे भारत की रैंकिंग में जबरदस्त उछाल आया है, और अब तो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स कम होने से लागत भी कम आएगी। जन सामान्य के जीवन से लेकर उद्योग जगत तक एक नई स्फूर्ति आएगी। उद्योग जगत की कुछ एमिनेंट शख्सियतें हमारे बीच उपस्थित हैं, हम चाहते हैं कि हम उनके भी विचार सुने। सबसे पहले हमारा आग्रह है चेयरमैन आदित्य बिरला ग्रुप श्री कुमार मंगलम बिरला से कि कृपया वे अपने विचार प्रस्तुत करें। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, respected cabinet ministers, senior officials of the government of India, ladies and gentlemen. Mananiya Pradhan Mantri ji, lok pratinidhi ke roop mein niswarth seva ke do dashak pure hone par aapko hardik shubhkamnaen. Aapki desh ki pragati ke liye sangharsh hamare liye ek aadarsh hai. Aapke netritv se hame gati और शक्ति की प्रेरणा मिलती है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, 20 इयर्स एट द हेल्म हैज गिवन यू अ परफेक्ट 2020 क्लैरिटी ऑफ विजन, एंड टुडेज लॉन्च ऑफ द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान ऑफ प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट विजन। दिस मास्टर प्लान इज बैक्ड बाय द शक्ति दैट इज एनर्जी एंड ड्राइव ऑफ योर लीडरशिप, एंड गति that is speed or rather the ambition to accelerate the pace of India's development. The word infrastructure conjures up images of roads and railway, waterways and ports, telecom and electricity networks. All this is at the end of the day about connectivity.
the faster, the smoother, and the more seamless it is, the more rapid the pace of economic activity and prosperity. For a country which is of subcontinental size, straddling diverse geographies, terrains, and climatic conditions, the criticality of infrastructure cannot be overemphasized. Infrastructure is a public good whose efficient provision not only needs public funds, but great coordination in performance, including several departments, ministries, and parts of the government, both at the center and at the states. What are the elements of making infrastructure more effective? First, of course, is a step up in annual investment, which is exactly what the National Infrastructure Pipeline addresses. Second is easier connectivity between air, road, rail, and waterways, including seamless multimodal connectivity, especially at the last mile. And third, a master plan with 360-degree visibility. And that is what PM Gati Shakti is all about. Is Gati Ki Shakti Hamare Pragati Ki Raah Ko Tivrata Pradan Karega, Jisse Udyog, Infrastructure, Aur Wohi Nahi Hamare Samaj Par Bhi Bahut Gehra Prabhav Padega. The long-term impact will indeed be deep and sustainable. The impact is far beyond just improving the ease of doing business. In fact, it will have a disproportionate impact on improving the ease of living itself. One striking feature is the way that this program leverages the power of digitization. It uses multi-layered geospatial information to generate real-time dashboards, MIS reports, and 3D images. I cannot think of any other government program anywhere in the world of such a large scale and technology-enabled real-time monitoring of such large-scale development projects. This is yet another example where India is setting a global benchmark for digital governance. To me, Gati Shakti embodies and combines some unique features that make a paradigm shift in governance. Firstly, it takes a platform approach using the most modern technology. It brings all stakeholders onto one platform. Such breaking of silos within the government is indeed a utopian condition or a dream come true for all of us in industry. The platform approach also increases transparency all around and helps resolve bottlenecks quickly. Second is the outcome-based approach. Gati Shakti marks a departure from the traditional approach to planning. There is a greater emphasis and granularity in specifying targets in terms of outcomes and not merely outlays. For instance, the plan specifies that by 2425, India will have 2 lakh kilometers of national highways, 35 lakh kilometers of optic fiber, 4,54,000 kilometers of transmission network, and so on. Clearly, targets have been specified in great detail. Managing and building high-quality infrastructure is, I believe, a national enterprise. Furthermore, we must remember that roads and rivers do not respect state boundaries. Therefore, a holistic approach to infrastructure has to navigate the challenges of working through a very complex federal system. It is almost like conducting a grand yet complex orchestra. The outcome is a symphony like the PM Gati Shakti. I firmly believe that this symphony has the potential to change mindsets and show a path for government, industry, academia, and civil society to come together and act for the collective prosperity of India. The synergy that comes from such a collaboration is a force multiplier. Congratulations again, Honorable Prime Minister, on the launch of yet another path-breaking and very deep impact initiative. Thank you very much. बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
अब हमारा अनुरोध है सीएमडी ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड श्रीमती मल्लिका श्रीनिवासन से कि कृपया अपने उद्गार प्रकट करें। Honorable Prime Minister, Honorable Ministers and distinguished invitees, under our Prime Minister's visionary leadership, Gati Shakti propels India into the next phase of robust growth through creation of sustained competitive advantage. Government policy today clearly focuses on creating an ecosystem measured along multidimensional parameters that will attract private sector investment. Gati Shakti is at the epicenter of this ecosystem. Bringing together as it does a holistic and integrated infrastructure plan with a geospatial digital platform that uses cutting-edge technology and digital tools to address the critical issues of coordination, simplification, agility, speed, and cost-effective implementation, it promises to be a game changer and the engine of economic growth and employment for the next decade towards a $5 trillion economy. Honorable Prime Minister, sir, on behalf of the private sector, I'd like to express my deep appreciation of your government's far-sighted, focused approach that is delivered with speed and scale. The Indian logistics industry is growing rapidly. The successful GST implementation has resulted in the wide adoption of the hub and spoke model and has already significantly reduced losses and increased logistics efficiency. Gati Shakti will go much further with respect to the cost of doing business element in making India's manufacturing competitive for both domestic demand and for exports. An enhanced ease of doing business, coupled with an open democracy and increasingly friendly investor laws, offers a strong proposition to investors, reducing as they do the risk of doing business. Changing global trade relations, geopolitics, and COVID-induced supply chain disruptions have compelled businesses to rebalance their supply chains. Given the dual advantage of ease and lower risk, multimodal connectivity holds the key to supply chain rebalancing decisions for global investors, and a well-executed Gati Shakti vision will undoubtedly attract investment. The National Master Plan ties in well with the Prime Minister's vision for agriculture. Logistics, even at the stage of the primary produce, is a significant portion of the cost of the produce. The primary processed food market is projected to rise from $200 billion to over $500 billion, but only 10 to 15% of primary processed food goes towards higher value-added processing. Even in our exports of over $40 billion, only 14% is processed food. A multimodal infrastructure push alongside the development of planned mega food parks and agro-processing centers and rural connectivity with optic fiber cables at each village level will accelerate the value chain development of agri-food produce. Tourism is an area that affords ample opportunity for growth and employment generation. With an expenditure of over $21 billion annually on outbound tourism, there's a strong potential to channel international tourists to domestic tourism with an opportunity to double the quantum of domestic tourists on a peer comparison basis. This sector stands to gain strongly from Gati Shakti. The Honorable Prime Minister recently referred to entrepreneurs as growth ambassadors. Sir, your government is leaving no stone unturned to make India the destination of choice in all respects. And I'd like to assure you that as Indian entrepreneurs, we will do the country proud. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
CEO and MD Tata Steel Limited and President CII श्री टीवी नरेंद्रन से अब हम अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने विचार प्रस्तुत करें। The Honorable Prime Minister of India श्री नरेंद्र मोदी जी, Cabinet Ministers, other distinguished ministers, Chief Ministers, Excellencies, Ladies and Gentlemen. The last two decades of leadership in public office by our Honorable Prime Minister has witnessed some of the most landmark reforms and initiatives that this country has seen. So you've transformed the landscape for us in industry, first in Gujarat and then across the country in the last 7 years. Today, on behalf of the entire industry, I stand as CII President, I must compliment you on the stellar national development initiative. The launch of PM Gati Shakti National Master Plan will be a game changer for the industry and would help to harness the potential of the industry in line with your vision of scale and speed. Back in 2006, we had under the India at 75 vision dreamt of India as a developed nation, and today as we celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav under your leadership, we are again seeing this dream take shape. Your personal engagement and thrust is instrumental to the transformation of the infrastructure sector that we are seeing today, marked by innovative policies, significant funding, and close and continuous monitoring. Gati Shakti is yet another exemplary program in this endeavor. So on behalf of industry, I would like to underline 5 important highlights which we think is going to have a far-reaching impact. First, with a GIS-based ERP system to map the existing and proposed connectivity projects, there will be a great clarity on how different regions and industrial hubs in the country are linked, particularly for last mile connectivity. Second, a holistic and integrated transport connectivity strategy, which incorporates roads and highways, railways, ports, airports and waterways into a single well-targeted synergistic network will greatly support Make in India and integrate different modes of transport. Three, it will greatly add to manufacturing competitiveness in this country. The competitiveness of Indian industry is sometimes disadvantaged because of higher logistics costs, and this initiative will surely go a long way to address that. Fourth, infrastructure construction can be a large employment multiplier in this country, creating new job opportunities in the rural areas as well, which is much needed. In fact, new connectivity and linkages will enable the regions that are currently excluded to be added into the economic mainstream and generate consequent business opportunities. Five, Gati Shakti will enable and facilitate planning, implementation, monitoring and administration of transport infrastructure projects on an ongoing basis and will institutionalize it. So as we welcome yet another transformative idea and reform from you, let me reiterate on behalf of industry and CII that we shall remain committed, as always, to supporting you as you build a modern and new India. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारा आग्रह है श्री दीपक गर्ग आपसे, जो को फाउंडर हैं रिविगो के, कि कृपया अपने उद्गार प्रकट करें। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑन द डायस एंड रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज इन द ऑडियंस, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई थॉट्स टूडे on the Gati Shakti initiative. Gati Shakti is the most profound and unprecedented program India has ever launched for our nation's progress. This will not just give gati to our aspiration of building a $5 trillion economy, but also inspire billions of young entrepreneurs like me to contribute towards building the new India. My personal entrepreneurship journey started in 2014 in the space of logistics, and Rivigo has been an observant participant and beneficiary of all the infrastructure and policy initiatives of the last 7 years, be it GST, road infrastructure, build-outs, fast tags, Digital India and so on. Last 7 years have also seen Indian entrepreneurship and startup space come of age. There is unbridled enthusiasm and belief that we can be the best in the world. I see youth of India in every small town,
aspiring to be a job creator and planning big and bold new ideas. The timing of this program, Honorable Prime Minister, is terrific in that respect. Gati Shakti will provide the next set of thrust and boost to entrepreneurs like me and million others who are always looking for Gati and Shakti to build their dreams and contribute to building the new India. There are three key thoughts that I would like to share with you all today. First, the size and scale of the program is extraordinary. This is a bigger plan than anything India has ever seen, and it competes with big infrastructure spending of economies like the US and China. It is once in a generation investment in India that will uplift lives of millions of Indians out of poverty, provide jobs and entrepreneurship opportunities to the youth, and get India ready to be the most innovative and resilient economy of the 21st century. Second, the economic impact of such an initiative is immense. Every dollar investment leads to 20 cents of socio-economic outcome. The multiplier impact of such an investment is unprecedented. The other way to look at this is, if you are able to shave off 6 percentage points out of a logistics cost of 14% and bring it down to 8%, we are talking about a very large saving flowing through the economy. We all know that India will not become a superpower by being a domestic economy. We need to be the manufacturing and service hub of the world. While Digital India and focus on technology has set up India well for the service exports for times to come, I believe Gati Shakti will lower the cost of logistics significantly and make our manufactured exports competitive. This will unleash the new wave of entrepreneurship in India and significantly boost the Make in India program. Third is the network effects. Given the Gati Shakti program is anchored centrally and all ministries work together to break silos and work on an integrated plan, we may see big network effects emerge. Network effect is when addition of a single node adds value to the entire network. A single road somewhere can add value to the airport network and port network and so on and so forth. Measuring network effects will lead to the ROI measurement of the projects in the right spirit and will ensure that every rupee will go to the right and productive resources. This is something South Korea and Australia has done in the recent past, so I'm very positive about the plan and the impact it can generate. There cannot be a better time in our history to build in India. There are infinite opportunities and infinite possibilities in the new India. I urge my fellow entrepreneurs to dream bigger and bolder. If not now, then when? As Honorable Prime Minister said in his Independence Day speech, very poetically and very aptly, Yahi samay hai, sahi samay hai, Bharat ka anmol samay hai. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. कार्याकार्य विशेषज्ञों नित्यम राष्ट्रहिते रतः, इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी कर्तव्यबद्ध होकर नित्य राष्ट्रहित में संलग्न हैं. हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सब उन पलों के साक्षी बन रहे हैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की विश्व में साख भी है और धाक भी. जब देश में सामान्य जन के जीवन स्तर से लेकर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर तक सुखद कायाकल्प हो रहा है, भारत गर्व की पराकाष्ठा. माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सबकी विनम्र अनुनय है कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हम सबका मार्गदर्शन करें. नमस्कार. केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री नितिन गडकरी जी, पीयूष गोयल जी, हरदीप सिंह पुरी जी, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, श्री अश्विनी वैष्णव जी, श्री राजकुमार सिंह जी, अलग अलग राज्य सरकारों के आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, उद्योग जगत के साथी, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज
दुर्गाष्टमी है, पूरे देश में आज शक्ति स्वरूपा का पूजन हो रहा है, कन्या पूजन हो रहा है और शक्ति की उपासना के इस पुण्य अवसर पर देश की प्रगति की गति को भी शक्ति देने का शुभ कार्य हो रहा है। ये समय भारत की आजादी के 75 वर्ष का है, आजादी के अमृत काल का है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। ये नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गति शक्ति मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा। सरकार के प्रोजेक्ट्स तय समय सीमा के भीतर पूरे हो, इसके लिए ये गति शक्ति नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन करेगा। गति शक्ति के इस महाअभियान के केंद्र में है भारत के लोग, भारत की इंडस्ट्री, भारत का व्यापार जगत, भारत के मैन्युफैक्चरर्स, भारत के किसान, भारत का गांव। ये भारत की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा देगा। उनके रास्ते के अवरोध समाप्त करेगा। ये मेरा सौभाग्य है कि आज के इस पावन दिन में पीएम गतिशक्ति नेशनल प्लान इसका शुभारंभ करने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, आज ही यहां प्रगति मैदान में बन रहे इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर के 4 प्रदर्शनी हॉल का लोकार्पण भी हुआ है। दिल्ली में आधुनिक इंफ्रा से जुड़ा ये भी एक अहम कदम है। ये एग्जीबिशन सेंटर्स हमारे एमएसएमईज, हमारे हैंडीक्राफ्ट, हमारे कुटीर उद्योग को अपने प्रोडक्ट दुनिया भर के बाजारों के लिए शोकेस करने, ग्लोबल मार्केट तक अपनी पहुंच बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद करेंगे। मैं दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे यहां दशकों तक सरकारी व्यवस्थाओं ने जिस तरह काम किया है, उस वजह से सरकारी शब्द आते ही लोगों के मन में आता था खराब क्वालिटी, काम में बरसों की देरी, बेवजह रुकावटें, जनता के पैसे का अपमान। मैं अपमान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो टैक्स के रूप में देश की जनता सरकार को देती है, उस पैसे का इस्तेमाल करते समय
सरकारों में ये भावना ही नहीं होती थी कि एक भी पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। हर एक को लगता है अरे यार ऐसे ही चल रहा है, चलने दो, चलता है क्या है। देशवासी भी अभ्यस्त हो गए थे कि देश ऐसे ही चलेगा, वो परेशान होते थे, दूसरे देशों की प्रगति देख उदास होते थे और इस भावना से भर गए थे कि कुछ बदल नहीं सकता। जैसा अभी हम वीडियो में भी देख रहे थे, हर जगह नजर आता था वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन वो काम कभी पूरा होगा भी या नहीं, समय पर पूरा होगा या नहीं, ये लेकर कोई विश्वास जनता के मन में नहीं था। वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड एक तरह से अविश्वास का प्रतीक बन गया था। ऐसी स्थिति में देश प्रगति कैसे करता? प्रगति भी तभी मानी जाएगी जब उसमें गति हो, गति के लिए एक अधीरता हो, गति के लिए एक सामूहिक प्रयास हो। आज 21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आज का मंत्र है विल फॉर प्रोग्रेस, वर्क फॉर प्रोग्रेस, वेल्थ फॉर प्रोग्रेस, प्लान फॉर प्रोग्रेस, प्रेफरेंस फॉर प्रोग्रेस। हमने न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित किया, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट पूरे करने का प्रयास हो रहा है। अगर आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वही आज का भारत हर वो कदम भी उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट में देरी ना हो, रुकावटें ना आए, कम समय पर पूरा हो। साथियों, देश का सामान्य मानवी एक छोटा सा भी घर बनाता है तो उसके लिए बाकायदा प्लानिंग करता है। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनती है, कोई कॉलेज बनाता है, तो भी पूरी प्लानिंग के साथ बनाया जाता है। समय समय पर उसके विस्तार की गुंजाइश को भी पहले से ही सोच लिया जाता है। और ये इसमें हर किसी का अनुभव है, हर एक का ये अनुभव से आप गुजरे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स में कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग से जुड़ी अनेक कमियां रोजमर्रा अनुभव करते हैं। थोड़ा बहुत जहां हुआ भी है तो हमने देखा है कि रेलवे अपनी प्लानिंग कर रही है, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपनी प्लानिंग कर रहा है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट की अपनी प्लानिंग होती है, गैस नेटवर्क का काम अलग प्लानिंग से हो रहा है। ऐसे ही तमाम डिपार्टमेंट अलग अलग प्लान करते हैं। हम सभी ने यह भी देखा है कि पहले कहीं सड़क बनती है, सड़क बिल्कुल तैयार हो जाती है, और फिर कोई पानी वाला डिपार्टमेंट आएगा, वो पानी की पाइप के लिए उसकी खुदाई कर देता है, फिर पानी वाले पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार काम होता रहता है। ये भी होता है कि रोड बनाने वाले डिवाइडर बना देते हैं और फिर ट्रैफिक पुलिस कहती है कि इससे तो जाम लगा रहेगा,
डिवाइडर हटाओ, कहीं चौराहे पर सर्किल बना दिया जाता है तो ट्रैफिक सुचारू रूप से चलने में बजाय वहां अव्यवस्था होने लगती है। और हमने देश भर में ऐसा होते हुए देखा है। इन परिस्थितियों के बीच जब सारे प्रोजेक्ट्स को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है, बिगड़ी हुई बात को ठीक करने में बहुत मेहनत लगती है। साथियों, ये जितनी भी दिक्कतें हैं उसका मूल कारण यह है कि मैक्रो प्लानिंग और माइक्रो इम्प्लीमेंटेशन, जमीन आसमान का अंतर होता है। अलग अलग विभागों को पता ही नहीं होता कि कौन सा विभाग कौन सा प्रोजेक्ट कहां शुरू करने की तैयारी कर रहा है। राज्यों के पास भी इस तरह की जानकारी एडवांस में नहीं होती। इस तरह के साइलोस के कारण निर्णय प्रक्रिया भी प्रभावित होती है और बजट की भी बर्बादी होती है। सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि शक्ति जुड़ने के बजाय, शक्ति मल्टीप्लाई होने के बजाय शक्ति विभाजित हो जाती है। जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्हें भी ये ठीक ठीक पता नहीं होता कि भविष्य में यहां से सड़क गुजरने वाली है या यहां से कैनाल बनने वाली है या यहां कोई पावर स्टेशन लगने वाला है। इस वजह से वो भी किसी क्षेत्र को लेकर, किसी सेक्टर को लेकर बेहतर प्लान नहीं कर पाते हैं। इन सारी दिक्कतों का हल पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान इससे ही निकलेगा। जब हम मास्टर प्लान को आधार बनाकर चलेंगे तो हमारे रिसोर्सेज का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। साथियों, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय ज्यादातर राजनीतिक दलों की प्राथमिकता से दूर रहा है। यह उनके घोषणा पत्र में भी नजर नहीं आता है। अब तो यह स्थिति आ गई है कि कुछ राजनीतिक दल देश के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर आलोचना करने में गर्व करते हैं, जबकि दुनिया में ये स्वीकृत बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एक ऐसा रास्ता है जो अनेक आर्थिक गतिविधियों को जन्म देता है, बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण करता है। जैसे स्किल मैन पावर के बिना हम किसी क्षेत्र में आवश्यक परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते, वैसे ही बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना हम चौतरफा विकास नहीं कर सकते। साथियों, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के साथ ही देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया सरकारी विभागों के बीच आपसी तालमेल की कमी ने, आपसी खींचतान ने। राज्यों में भी हमने राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के बीच इस विषय पर तनाव होते देखा है। इस वजह से जो प्रोजेक्ट देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में मददगार होने चाहिए थे, वही प्रोजेक्ट देश के विकास के सामने एक दीवार बन जाते हैं। समय के साथ बरसों से लटके हुए प्रोजेक्ट अपनी प्रासंगिकता, अपनी जरूरत भी खो देते हैं। मैं जब 2014 में यहां दिल्ली एक नई जिम्मेवारी के साथ आया तो भी ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट थे जो दशकों से लटके हुए थे। लाखों करोड़ रुपए के ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट की मैंने खुद समीक्षा की। सरकार के सारे विभागों, सारे मंत्रालयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया, सारी रुकावटों को दूर करने का प्रयास किया।
मुझे संतोष है कि अब सबका ध्यान इस ओर गया है कि आपसी तालमेल की कमी की वजह से परियोजनाओं में देरी ना हो। अब होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ सरकार की सामूहिक शक्ति योजनाओं को पूरा करने में लग रही है। इसी वजह से अब दशकों से अधूरी बहुत सारी परियोजनाएं पूरी हो रही हैं। साथियों, पीएम गति शक्ति अब यह सुनिश्चित करेगी कि 21वीं सदी का भारत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेशन में कमी की वजह से ना पैसे का नुकसान उठाए और ना ही समय गंवाए। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत रोड से लेकर रेलवे तक, एविएशन से लेकर के एग्रीकल्चर तक विभिन्न मंत्रालयों को, विभागों को इससे जोड़ा जा रहा है। हर बड़े प्रोजेक्ट को, हर डिपार्टमेंट को सही जानकारी, सटीक जानकारी समय पर मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है। आज यहां कई राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यों के अन्य प्रतिनिधि भी जुड़े हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि जल्द से जल्द आपके राज्य भी पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से जुड़कर अपने राज्य की योजनाओं को गति दें। इससे राज्य के लोगों का भी बहुत लाभ होगा। साथियों, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान सरकारी प्रोसेस और उससे जुड़े अलग अलग स्टेकहोल्डर्स को तो एक साथ लाता ही है। ये ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग बोर्ड्स को आपस में जोड़ने में भी मदद करता है। ये होलिस्टिक गवर्नेंस का विस्तार है। अब जैसे गरीबों के घर से जुड़ी योजना में सिर्फ चार दीवारी नहीं बनाई जाती, बल्कि उसमें टॉयलेट, बिजली, पानी, गैस कनेक्शन भी साथ ही आता है। ठीक वैसा ही विजन इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी है। अतीत में हमने देखा है कि उद्योगों के लिए स्पेशल जोन का ऐलान तो किया जाता था, लेकिन वहां तक कनेक्टिविटी या फिर बिजली, पानी, टेलीकॉम पहुंचाने में गंभीरता नहीं दिखाई जाती थी। साथियों, ये भी बहुत सामान्य बात थी कि जहां सबसे ज्यादा माइनिंग का काम होता है वहां रेल कनेक्टिविटी नहीं होती थी। हम सभी ने यह भी देखा है कि कहीं पोर्ट होते थे तो पोर्ट को शहर से कनेक्ट करने के लिए रेल या रोड की सुविधाओं का अभाव होता था। ऐसी ही वजहों से भारत में प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती रही है, हमारे एक्सपोर्ट की कॉस्ट बढ़ती रही है, हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा रहा है। निश्चित तौर पर ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत बड़ी रुकावट है। एक स्टडी है कि भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी का करीब करीब 13% है, 13% है। दुनिया के बड़े देशों में ऐसी स्थिति नहीं है। ज्यादा लॉजिस्टिक कॉस्ट की वजह से भारत के एक्सपोर्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस बहुत कम हो जाती है। जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां से पोर्ट तक पहुंचाने का जो खर्च है उस पर ही भारत के एक्सपोर्टर्स को लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस वजह से उनके प्रोडक्ट की कीमत भी बेतहाशा बढ़ जाती है। उनका प्रोडक्ट दूसरे देशों के मुकाबले बहुत महंगा हो जाता है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी इस वजह से हमारे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है।
इसलिए आज समय की मांग है कि भारत में सीमलेस कनेक्टिविटी बढ़े, लास्ट माइल कनेक्टिविटी और मजबूत हो। इसलिए ये पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इस दिशा में आगे जाने बढ़ने पर हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा, उसका पूरक बनेगा। और मैं समझता हूं हर कारण हर स्टेक होल्डर को भी हर ज्यादा और ज्यादा उत्साह से इससे जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी। साथियों, पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान देश की पॉलिसी मेकिंग से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को, इन्वेस्टर को एक एनालिटिकल और डिसीजन मेकिंग टूल भी देगा। इससे सरकारों को प्रभावी प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी, सरकार का अनावश्यक खर्च बचेगा और उद्यमियों को भी किसी प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। इससे राज्य सरकारों को भी अपनी प्राथमिकताएं तय करने में मदद मिलेगी। जब ऐसा डेटाबेस मैकेनिज्म देश में होगा तो हर राज्य सरकार निवेशकों के लिए टाइम बाउंड कमिटमेंट दे पाएगी। इससे इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में भारत की बढ़ती साख को नई बुलंदी मिलेगी, नया आयाम मिलेगा। इससे देशवासियों को कम कीमत में बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी, युवाओं को रोजगार के लिए नए अवसर मिलेंगे। साथियों, देश के विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सभी विभाग एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे की कलेक्टिव पावर का इस्तेमाल करें। बीते वर्षों में इसी अप्रोच ने भारत को अभूतपूर्व गति भी दी है। पिछले 70 वर्षों की तुलना में आज भारत पहले से कहीं ज्यादा स्पीड और स्केल पर काम कर रहा है। साथियों, भारत में पहली इंटरस्टेट नेचुरल गैस पाइपलाइन 1987 में कमीशन हुई थी। इसके बाद साल 2014 तक यानी 27 साल में देश में 15,000 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइपलाइन बनी। आज देश भर में 16,000 किलोमीटर से ज्यादा नई गैस पाइपलाइन पर काम चल रहा है। ये काम अगले 5-6 वर्षों में पूरे होने का लक्ष्य है। यानी जितना काम 27 वर्षों में हुआ, हम उससे ज्यादा काम उसके आधे समय में करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। काम करने की यही रफ्तार आज भारत की पहचान बन रही है। 2014 के पहले के 5 सालों में सिर्फ 1900 किलोमीटर रेल लाइनों का दोहरीकरण होता था। बीते 7 वर्षों में हमने 9000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइनों की डबलिंग की है। कहां 19 और कहां 7000। 2014 से पहले के 5 सालों में सिर्फ 3000 किलोमीटर रेलवे का बिजलीकरण हुआ था। बीते 7 वर्षों में हमने 24,000 किलोमीटर से भी अधिक रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण किया। कहां 3000, कहां 24,000। 2014 के पहले लगभग 250 किलोमीटर ट्रैक पर ही
मेट्रो चल रही थी, आज 700 किलोमीटर तक मेट्रो का विस्तार हो चुका है और 1000 किलोमीटर नए मेट्रो रूट पर काम चल रहा है। 2014 के पहले 5 सालों में सिर्फ 60 पंचायतों को ही 60 पंचायतों को ही ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा सका था। बीते 7 वर्षों में हमने 1.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट कर दिया है। कनेक्टिविटी के पारंपरिक माध्यमों के विस्तार के साथ साथ इनलैंड वाटरवेज और सी प्लेन्स नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी देश को मिल रहा है। 2024 तक देश में सिर्फ 5 वाटरवे थे, आज देश में 13 वाटरवेज काम कर रहे हैं। 2014 से पहले हमारे पोर्ट्स पर वेसल टर्न अराउंड टाइम 41 घंटे से भी ज्यादा था, अब ये घटकर 27 घंटे रह गया है। इसे और कम करने का प्रयास भी किया जा रहा है। साथियों, कनेक्टिविटी के अलावा जरूरी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को भी नई रफ्तार दी गई है। बिजली की प्रोडक्शन से लेकर ट्रांसमिशन के पूरे नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म किया गया है। वन नेशन वन पावर ग्रिड का संकल्प सिद्ध हो चुका है। 2014 तक देश में जहां 3 लाख सर्किट किलोमीटर पावर ट्रांसमिशन लाइन्स थी, वहीं आज ये बढ़कर 4.25 लाख सर्किट किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुकी है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में जहां हम बहुत ही मार्जिनल प्लेयर थे, वहीं आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में पहुंच चुके हैं। 2014 के इंस्टॉल कैपेसिटी से करीब करीब 3 गुना कैपेसिटी यानी 100 गीगावाट से ज्यादा भारत हासिल कर चुका है। साथियों, आज देश में एविएशन का आधुनिक इकोसिस्टम विकसित करने पर तेजी से काम हो रहा है। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए देश में नए एयरपोर्ट्स के निर्माण के साथ ही हमने एयर स्पेस को भी और ज्यादा खोल दिया है। बीते 1-2 वर्षों में ही 100 से ज्यादा एयर रूट्स की समीक्षा करने उनकी दूरी घटाई गई है। जिन क्षेत्रों के ऊपर से पैसेंजर फ्लाइट्स के उड़ने पर पाबंदी थी, उसे भी हटाया गया है। इस एक फैसले से बहुत से शहरों के बीच एयर टाइम कम हुआ है, उड़ान का समय कम हुआ है। एविएशन सेक्टर को मजबूती देने के लिए नई एमआरओ पॉलिसी बनाना है, जिस जीएसटी काम पूरा करना हो, पायलट्स की ट्रेनिंग की बात हो, इन सभी पर काम किया गया है। साथियों, ऐसे ही प्रयासों से देश को विश्वास हुआ है कि हम तेज गति से काम कर सकते हैं, बड़े लक्ष्य बड़े सपने भी पूरे हो सकते हैं। अब देश की अपेक्षा और आकांक्षा दोनों बढ़ गई है, इसलिए आने वाले 3-4 वर्षों के लिए हमारे संकल्प भी बहुत बड़े हो गए हैं। अब देश का लक्ष्य है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम से कम करना, रेलवे की कार्गो क्षमता बढ़ाना, पोर्ट कार्गो कैपेसिटी बढ़ाना, टर्न अराउंड टाइम को कम करना। आने वाले 4-5 साल में देश में कुल मिलाकर 200 से ज्यादा एयरपोर्ट
हेलीपैड और वाटर एरोड्रोम बनकर तैयार होने जा रहे हैं। अभी जो 19,000 किलोमीटर के करीब का हमारा गैस पाइपलाइन नेटवर्क है उसे भी बढ़ाकर लगभग 2 गुना किया जाएगा। साथियों, देश के किसानों और मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से विस्तार दिया जा रहा है। 2014 में देश में सिर्फ 2 मेगा फूड पार्क थे, आज देश में 19 मेगा फूड पार्क काम कर रहे हैं। अब इनकी संख्या 40 से अधिक तक पहुंचने का लक्ष्य है। बीते 7 सालों में फिशिंग क्लस्टर्स, फिशिंग हार्बर और लैंडिंग सेंटर्स की संख्या 40 से बढ़कर 100 से अधिक तक पहुंच चुकी है। इसमें 2 गुना से ज्यादा की वृद्धि करने का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। साथियों, डिफेंस सेक्टर में भी पहली बार व्यापक प्रयास हो रहा है। अभी तमिलनाडु और यूपी में 2 डिफेंस कॉरिडोर पर काम चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मैन्युफैक्चरिंग में आज हम तेजी से अग्रणी देशों में शामिल हो रहे हैं। एक समय हमारे यहां 5 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर थे, आज 15 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हम तैयार कर चुके हैं और इसे भी 2 गुना तक वृद्धि का टारगेट है। बीते सालों में 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर शुरू हो चुके हैं और अब ऐसे कॉरिडोर्स की संख्या को 1 दर्जन तक बढ़ाया जा रहा है। साथियों, आज सरकार जिस अप्रोच के साथ काम कर रही है उसका एक उदाहरण प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी है। अब देश की इंडस्ट्री को ऐसी सुविधाएं देने का प्रयास है जो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त हो, यानी देश और दुनिया के निवेशकों को सिर्फ अपना सिस्टम लगाना है और काम शुरू करना है। जैसे ग्रेटर नोएडा के दादरी में ऐसी ही इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप तैयार हो रही है। इसको पूर्वी और पश्चिमी भारत के पोर्ट्स से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए यहां मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा। इसी के बगल में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनेगा जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट रेलवे टर्मिनस होगा, जिसको इंटर और इंट्रास्टेट बस टर्मिनस मिलेगा, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और दूसरी सुविधाओं से सपोर्ट किया जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी ही सुविधाओं के निर्माण से भारत दुनिया की बिजनेस कैपिटल बनने का सपना साकार कर सकता है। साथियों, ये जितने भी लक्ष्य मैंने गिनाए हैं ये लक्ष्य सामान्य नहीं है और इसलिए इनको हासिल करने के लिए प्रयास भी अभूतपूर्व होंगे और इसके तरीके भी अभूतपूर्व होंगे और इन्हें सबसे ज्यादा ताकत पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान से ही मिलेगी। जिस प्रकार जेम ट्रिनिटी यानी जनधन आधार मोबाइल की शक्ति से देश में सरकारी सुविधाओं को तेजी से सही लाभार्थी तक पहुंचाने में हम सफल हुए हैं, पीएम गतिशक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वैसा ही काम करने वाला है। ये पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग से लेकर एजुकेशन तक एक होलिस्टिक विजन लेकर आ रहा है। एक बार फिर मैं सभी राज्य सरकारों को इससे जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं, आग्रह भी करता हूं। ये समय जुड़ जाने का है। आजादी के इस 75वें वर्ष में देश के लिए कुछ कर दिखाने का है। इस कार्यक्रम से जुड़े हर व्यक्ति से मेरा यही आग्रह है, यही मेरी उम्मीद है।
आप सभी को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पधारने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति मास्टर प्लान प्राइवेट पार्टी भी उसको बहुत बारीकी से देखेगी, वे भी इससे जुड़ करके अपनी भावी रणनीति तय कर सकती हैं, विकास के नए आयाम को छू सकती हैं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, देशवासियों को आज नवरात्रि के पावन पर्व पर शक्ति के इस उपासना के समय शक्ति से की भगीरथ कार्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाओं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।